अच्छा, मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूँ, बहुत ही बेकार सा सवाल। आप मुझे बताएं कि आपकी राय क्या है। दो तीन सवाल हैं, है ना। पहला ये कि अगर हम देखिए, मुझे मतलब मैं विश्वविद्यालयों के नाम बोलूंगा, मुझे किसी से विशेष मोहब्बत या अलगाव नहीं है, ठीक है। मैं केवल समझना चाह रहा हूँ कि समाज को समझने के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो भारत के कुछ अच्छे विश्वविद्यालयों में किस किस को आप शामिल करेंगे? एक तो JNU को तो मैं शामिल करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। DU को कर लेते हैं, और AMU को भी कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कर सकते हैं, और BHU को कर सकते हैं। चलिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कर लिया, चलो हो गया। हाँ, सारे हो गए, सारे हो गए, ठीक है। तीन विश्वविद्यालय मान के चल रहे हैं, JNU, BHU, AMU। आपको जिस प्रश्न का उत्तर देना है वो ये है, क्या प्रश्न है? मैंने तो पूछा ही नहीं अभी, सुन तो लो पहले। इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है आप लोगों को? प्रश्न तो सुनो। प्रश्न ये है, बिना तथ्यों को जाने, मुझे भी तथ्य नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अनुमान से बताना है, अगर JNU के सारे विद्यार्थियों को, BHU के सारे विद्यार्थी, AMU के सारे विद्यार्थी, इन तीनों को अलग अलग बिठा के इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का टेस्ट लिया जाए, तो IQ के मामले में औसत IQ किस विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा होगा, किसका नंबर, किसका नंबर एक पे होगा, किसका नंबर दो, किसका नंबर तीन पे होगा? सवाल ये है, आपकी राय में नंबर एक पर किसका होगा? JNU। आप सहमत हैं इससे? सहमत नहीं है। कितने लोग असहमत है इस बात से? ऐसे दो तीन लोग हैं। आपकी राय में कौन नंबर एक पे होगा? AMU, BHU। अच्छा, ठीक है, आपकी राय में। अच्छा, मिसकम्युनिकेशन हो गया कुछ, है ना। तो लगभग 100% मतों से JNU नंबर एक पे चल रहा है। 1% कम कर लीजिए, क्योंकि 500 में 1% कम करने के लिए 5 चाहिए और 2 ही मिले अब तक हमें, तो 0.4% से पीछे चल रहा है। आपकी राय में नंबर दो पे कौन होगा? कितने लोग मानते हैं BHU नंबर दो पे होगा, और कितने लोग मानते हैं AMU नंबर दो पे होगा? तो BHU के पक्ष में ज्यादा, बस सबसे ज्यादा तो वो है जो कुछ नहीं मानते, उनकी बात छोड़ देते हैं। अंत में इलेक्शन में जीतना हारना उन्हीं वोटों से होता है जो वोट पड़ते हैं, जो वोट पड़ते ही नहीं उनको हम बाहर कर लेते हैं, और नंबर तीन पे आपके हिसाब से जनरली AMU आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबकी एक सहमति है कि JNU को हम कितना ही बदनाम कर लें, लेकिन वहां की पढ़ाई का स्तर सच में बेहतर है, और सारे आरोपों के बावजूद जब पिछले साल लिस्ट निकली भारत सरकार की, देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय वही निकला, उसमें भी मानना ही पड़ा, सरकार को ही मानना पड़ा जो उसके खिलाफ चल रही है, क्योंकि वहां पर आपके चिंतन को मुक्त करने का प्रयास होता है, तरह तरह के विचार, विचारधाराएं, विचारक को सब सुनने को मिलते हैं, दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं, और इस सेंस में वो विश्वविद्यालय, अगर विश्वविद्यालय का पर्पस दिमाग को खोलना है, ऐसे वाला खोलना नहीं कि संतरे की तरह खोल दिया बंद नहीं हो रहा उसके बाद, वैचारिक स्तर पर खोलना है, तो फिर JNU बेहतर है।